नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैमडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बगर पेंट आई लिमिटेड के बारे में। ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया स्टॉक अभी यहाँ पे मोमेंट में आ रहा है और काफी हद तक एक सपोर्ट पे टिका हुआ है, कि जो कि आपके लिए अच्छा बाइंग ऑप्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी इसका ट्रेड देखिए, 618 पे कर रहा है, थोड़ा सा माइनस में गया था। और आप देख सकते हैं 606 का था और 621 का हाई था। एक दिन, एक साल का देखिए तो यहाँ पे 543 था, वो 26 मई 2022 गया था, और हाई गया था अक्टूबर 2021 में, जो कि यहाँ पे अभी यहाँ पे 800 लगभग 55 के ऊपर गया था। तो ये बात है। और अभी यहाँ पे सीजन भी चल रहा है, हर कोई ना कोई पेंट अपने घर में करना चाहता है। दिवाली का सीजन आने वाला है यहाँ पे, तो चलिए इसमें थोड़ा सा मोमेंट दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे 2-3 महीने में हो सकता है कि इसका थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छा वैल्यू में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न देखिए, रिटर्न के मामले में बात करें तो मेरे ख्याल से ये इतना बढ़िया से बढ़िया मूव नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये नीचे आपको मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अभी अच्छे से मेरे ख्याल से मैक्सिमम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए सही बात है। आप इसमें रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। तो चलिए प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। इसके प्रॉफिट तो सबसे फेवरेट सेगमेंट है हमारा। इसमें बहुत सारे देखने के लिए है, चार्ट है, लेकिन हम ज़्यादातर प्रॉफिट हमें चाहिए फिर कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है, कंपनी अच्छा मुनाफा कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बढ़ता 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 गया 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 गया, और अभी 833 पे कर रहा है। अभी यहाँ पे 2022 में 21-20 से 21 ऊपर, ये इस तरीके से स्टॉक होना चाहिए। माइनस नहीं दिख रहा मुझे अभी यहाँ पे, यह इसको छोड़ के अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर 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 चला गया। इस तरीके से होना चाहिए, फंडामेंटल मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हद तक ये स्टॉक आपको यहाँ पे लुभा सकता है। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते, चार्ट क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं, और एक हमने एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि हमें जो मिल रहा है जून 3 जून यहाँ पे जो प्राइस थी, अब उसी प्राइस के रेंज में हमें मिल रहा है 30 सितंबर के बीच में। यानी काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे ये सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अभी यहाँ पे इस वक्त आपको मिल रहा है, सपोर्ट में मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे। ये जो रेंज है ये हम कह सकते हैं कि 608 की रेंज है, और अभी यहाँ पे 617 पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये रेंज थोड़ा सा आपको मिल रहा है, अच्छा स्टॉक मिल रहा है, इसके नीचे भी हो सकता है, आ सकता है मेरे ख्याल से यहाँ ये इसके बाद ये जो हम कह सकते हैं ये रेंज। लेकिन हमें ये रेंज के मामले में ज़्यादा घुसने का नहीं काफ़ी, क्योंकि ये रेंज यहाँ से आप ऊपर जा सकता है। लगभग आपको यहाँ पे ये स्टॉक गया तो 600 के करीब जा सकता है, लेकिन 600 के नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाता, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, इसका सीज़न चल रहा है काफ़ी, ये त्यौहार का स्टॉक है। हम कह सकते हैं कि अब अगर इसका हाई देखिए, अक्टूबर 2021 में सबसे हाई बनाया था इसने, और वो भी बनाया था, कब बनाया था, अक्टूबर यानी इस सीज़न में ही बनाया था। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे इसके बिकॉल ज़्यादा हो, इसका जो कि डिमांड है वो ज़्यादा हो, क्योंकि अभी यहाँ पे सीजन चल रहा है, तो हर किसी ना किसी आदमी के लिए थोड़ा सा पेंट के बारे में थोड़ा सा लगता है कि हमें पेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से घर को सजाने के लिए, घर को पेंट करने के लिए, तो सीज़न के तौर पर हम कह सकते हैं सीजनेबल ये स्टॉक है। एक त्यौहार के सीज़न में ये चलता है, जैसे कि आप शॉपिंग का ट्रेड ले लीजिए, कोई सा भी जो कि शॉपिंग के जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रेड जो कि काफ़ी हद तक इस महीने सितंबर अक्टूबर महीने में काफ़ी उनके हाई बनाते हैं, वो हाई बनाते हैं उनके जो कि 52 के एक साल का हाई वो बनाते हैं। इस तरीके से ये स्टॉक मेरे ख्याल से अभी मूवमेंट कर रहा है। 800 के ऊपर था वो पिछले बार, अभी आपने देखा तो 1 महीने या 2 महीने में आपको टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस तरीके से पेंट ने काफ़ी परफॉर्मेंस किया था। उसी तरीके से अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर बात करें तो इसके ये भी रिजन जोन देख सकते हैं, ये 700 का रिजन जोन है, ये 700
हम कह सकते कि अगले कुछ दिनों में आपको 700 का टारगेट मिल सकता है इसमें, अगर आपने यहाँ पे इस पोजीशन पे बाय किया तो। अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है समझो 600 के आसपास आपको मिलता है समझो, जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा हो सकता है कि ये ऊपर जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे कैंडल अच्छे तरीके से बनाए हैमर जैसे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको उसमें और भी अच्छा खासा मोमेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको इस तरीके से रेंज में दिख सकता है, मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये जो रेंज थी ये सबसे बढ़िया मुझे रेंज कही। अगर हम थोड़ा सा और एक आपके लिए और डीप में जाने की कोशिश करें तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए ग्रीन करते हैं, और एक दूसरी लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, इसका रेड करते हैं, यानी आपको रेजिस्टेंस सब कुछ मिल जाएगा। तो सर इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी यहाँ पे मुझे लगता है ये सपोर्ट जोन काफ़ी हद तक ये टूटेगा, मेरे ख्याल से नहीं टूट सकता है इस तरीके से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में कोई बोलना भी बहुत गलत चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये लेकिन ये जोन जो है ये हम कह सकते हैं कि ये जोन के नीचे अभी तक तो स्टॉक इस तरीके से नहीं आ सकता है, ये 600 के ऊपर ही ट्रेड करेगा अक्सर, क्योंकि अभी इसका सीजन चल रहा है, ये 600 के ऊपर ट्रेड करेगा। हो सकता है कि टारगेट आपको सबसे पहले आपको 680 का मिले, या फिर यहाँ पे 700 का टारगेट आपको देखने को मिले अगले कुछ 2 या 3 महीनों में, लेकिन ये 600 की रेंज काफ़ी बढ़िया है। अगर जहाँ भी अभी ट्रेड कर रहा है 117 पे, वो भी काफ़ी बढ़िया रेंज है, लेकिन एक दिन आप रुक सकते हैं, कैसे मोमेंट दिखाई दे रहा है आपको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर जा सकता है स्टॉक इस तरीके से नहीं क्या, तो ये रेंज काफ़ी हद तक मिल सकती है 2 महीनों में मेरे ख्याल से, ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपको ये 2 महीनों में 700 की रेंज हमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जल्दी से जल्दी आपको मिल सकती है, क्योंकि अभी इसका सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पे सीजन चल रहा है, त्यौहार का सीजन चल रहा है, इसका चार्ट भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी कितने अच्छे से परफॉर्मेंस किया है उसने नहीं क्या, तो ये इसके बढ़िया और काफ़ी हद तक ये जो रेंज है ना आपको काफ़ी हद तक ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेंज थी लगभग 2000 अक्टूबर 2020 में नहीं क्या, अक्टूबर 2020 में की रेंज आपको यहाँ पे आज मिल रही है लगभग इस तरीके से। ये स्टॉक काफ़ी हद तक अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कितने दिनों से ये स्टॉक राइजिंग रहा समझो, यहाँ से देख सकते इस तरीके से ये राइजिंग रहा नहीं क्या, और इस जोन के बीच में आप देख सकते हैं कितना देर यहाँ पे देख सकते हैं कितनी देर तक ये स्टॉक इस रेंज में रहा है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे बॉक्स बनाने की कोशिश करें हम तो आपको भी तो इसमें कुछ बॉक्स बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय आपको एक बॉक्स कहाँ पे मिलता है, 1 मिनट, यहाँ पे बॉक्स मिलता है, यहाँ पे हम देखें इस तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करें तो ये स्टॉक अब आपको समझ में आ जाएगा। 28 अक्टूबर से लेके सितंबर 30 तक इसके ऊपर रेंज कर रहा था, यानी इसके 28 अक्टूबर के बीच में 600 की रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और अभी यहाँ पे 600 के रेंज के आसपास स्टॉक आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग आप ये जो स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा है अगर 30 अगर हम बात करें 30 सितंबर की, तो इस ये स्टॉक यहाँ पे अगर दिख रहा है अभी प्राइस इस है 2022 में, और ये अक्टूबर यहाँ पे देख सकते हैं 2020 की प्राइस है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2020 की प्राइस है, इस तरीके से ये स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नहीं क्या, तो आज देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से और कितनी बढ़िया से रेंज में स्टॉक आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके से ये, और इसके बाद अगर आपको देखें तो काफ़ी हद तक ये 700 के ऊपर स्टॉक रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये काफ़ी हद तक अगर इसमें एक लाइन हम ड्रॉ करें तो इसके बाद आपको मिलेगा ये काफ़ी हद तक ये 700 के ऊपर स्टॉक रहा है, कुछ यहाँ पे छोड़े तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बॉक्स छोड़े तो काफ़ी नीचे आया था, लगभग यहाँ पे 45 पे ट्रेड कर रहा था 500 नहीं क्या, तो ये तो हम रेंज छोड़ते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे इतना मेरे ख्याल से आने का समय अभी नहीं है इसमें। तो
हो सकता है कि ये स्टॉक आपको मैंने समझ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये स्टॉक काफी हद तक काफी लो प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इसमें और इस अभी क्योंकि इसमें ऐसा है कि इसका सीजन चल रहा है, अक्टूबर में ज्यादातर ये हाई बनाता है, पिछला भी अक्टूबर में बनाया था, अभी सीजन चल रहा है, त्योहार का सीजन चल रहा है, तो अक्सर लोग ज्यादातर हम घर में कुछ ना कुछ यहाँ पे पेंट पेंट लगाने की सोचते हैं, तो ये पेंट के जुड़े हुआ स्टॉक है, कंपनी है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आगे बढ़ के आपको 700 या 700 800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बहुत बहुत ही कम है, लेकिन चांसेस तो है, हम ये मानते हैं कि चांसेस तो है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।